नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति फॉर्म की। देखिए कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, किनके लिंक एक्टिव हो गए हैं, आइए उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और फॉर्म भरते वक्त आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, रिन्यूअल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एज ए फ्रेश कैंडिडेट कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग क्राइटेरिया के लिए दिया गया है सबका। देखिए यहाँ पोस्ट मैट्रिक यानी कक्षा 9 और 10 के लिए, फिर यहाँ पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के लिए, फिर यहाँ कक्षा 12 से आगे के पढ़ने वाले छात्रों के लिए, फिर उसके बाद अगर अदर स्टेट चाहते हैं तो ये इसमें एससी एसटी के लिए, इसमें ओबीसी के लिए और इसमें जो है अल्पसंख्यक कैंडिडेट के लिए। तो मान लीजिए अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसमें अगर कक्षा 9 और 10 में 9 में पढ़ रहा है और 9 में आपने अप्लाई कर रखा है तो 10 में कर रहे हैं, तो आपको फ्रेश कैंडिडेट से नहीं जाना है, फिर आपको रिन्यूअल वाले से जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो हम सबसे पहले यहाँ 9-10 के लिए देख सकते हैं, कक्षा 11 और 12 के लिए देख सकते हैं, और यहाँ जिसका चाहें उसका देख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इंटरमीडिएट का ओपन करते हैं, तो देखिए ये चीज़ आपके दसमोत्तर प्रतिशुल्क के टर्म्स में कक्षा 11 और 12 के लिए यहाँ पर फ्रेश ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो ये आप यहाँ पर जाकर आसानी से जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलेंगी उसके टर्म्स में, अगर इसी तरीके से हम 9 और जो है 10 के लिए देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पैटर्न सेम है, यहाँ कक्षा 9 और 10 के लिए है, देखिए आपके सामने है। इसी तरीके से अगर हम आपको बता दें कि जो है उसके इंटरमीडिएट के बाद के बाहर की बातों के लिए, यहाँ पर तो देखिए यहाँ आपको आना है क्लिक, ये स्टार्टिंग पेज है, होम पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो पोस्ट मैट्रिक यहाँ पर आप पाएंगे कि अदर देन, और यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्रेश के लिए 3 कैंडिडेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप अदर देन जो है देखिए एससी कैंडिडेट में, तो यहाँ पोस्ट मैट्रिक यानी आपका जो डिटेल है कि उत्तर प्रदेश अध्ययनरत कक्षा 11-12 के अतिरिक्त यानी कक्षा 11-12 के पढ़ चुके हैं उनके बाद ग्रेजुएशन लेवल का जो है करना है तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। कौन से ज़िले से हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जितना भी शिक्षण संस्थान आपका कौन सा है वो आप चुन सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जात समूह से कौन से हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हम उसमें भर रहे हैं तो ये चीज़ें आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं, छात्र का नाम और बाकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सभी के फॉर्म लगभग आ चुके हैं, आप फॉर्म को भरिए, अप्लाई करिए स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ जो रिन्यूअल करना है कैंडिडेट को उसका देख लिए, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स सीट कितनी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, फी रिसिप्ट नंबर होना चाहिए, एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट होना चाहिए, और इन्वॉल्वमेंट नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो काइंडली यूज़ लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लीजिए टू लॉग इन टू रिन्यूअल सेक्शंस एंड इंटर द फ्रेश डिटेल्स। तो वहाँ पर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपको पिछले साल का भरा हुआ फॉर्म चाहिए केवल, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए जिससे आप फॉर्म भर, अगर आप कक्षा 9 में हैं और फॉर्म भर रहे हैं तो कक्षा 8 की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आप कक्षा 11 में भर रहे हैं तो कक्षा 10 की होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम जब भर रहे हैं तो ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।